हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी मैं प्रियंका आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल पर तो मेरी जो है ना बहन के लड़के की शादी आ रही है और मुझे जो है ना कुछ शॉपिंग करनी थी बच्चों के स्पेशली मुझे कपड़े लेने थे क्योंकि अपना तो ये होता है कि अपने पास बहुत सारी सूट साड़ियाँ होती हैं तो अपना तो काम चल जाता है अगर हम चलाना चाहें तो लेकिन फिर भी हम लेडीज़ की आदत थोड़ी ऐसी वाली होती है कि जब Uh, कपड़े रखने जाओ तो अलमारी में जगह नहीं होती और जब कहीं जाओ तो पहनने के लिए कपड़े नहीं होते <laughs> मेरे पास तो स्पेशली ये वाली बात है मेरी अलमारी में एक तिल भी रखने की जगह नहीं है इतनी सी भी जगह नहीं है और मैं इनके ना इतनी काफ़ी पीछे पड़ी हुई हूँ कि यार एक अलमारी नहीं ले लो एक अलमारी नहीं ले लो और ये कह रहे हैं कि अलमारी रखने की घर में जगह नहीं <laughs> तो ऐसे वाला सीन जो है ना हमारे साथ हो रखा है तो ये सारी चीज़ें मजाक की हैं नहीं मजाक नहीं वैसे मेरी तो ये रियलिटी है जो मैंने आपको बताई है तो कैसे हो आप सभी कमेंट करके जरूर ज़रूर बताना और अब ना आज मैं आपको अपनी कुछ शॉपिंग दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं पहले आप वो देख लो स्पेशली त्रिश के लिए मैंने कोई स्पेशल पार्टी वेयर ड्रेस पहली बार ली है और आप लोग पूछना चाहोगे कि शादी कब की है कहाँ है आपकी बहन के कौन से वाले लड़के की शादी है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी ठीक है पहले आप कपड़े देख लीजिए ये देखो ये जो है हमने अपने त्रिश के लिए मंगाया है एक थ्री पीस सूट रहने वाला है इस तरीके का अंदर ब्लू कलर की शर्ट दी गई है ये जो है ना अटैचेबल है क्योंकि इतने छोटे बच्चे का अगर मतलब अलग अलग होगा तो फिर वो पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और मेरे हिसाब से कहीं ये वाला साइज भी उसे बड़ा ही ना रह जाए ये देखो वैसे मैंने ना इस हिसाब से मंगाया है कि एक दो ड्रेस उसको बस अंदर पहना दू मैंने जीरो से सिक्स मंथ वाले बच्चे वाला साइज वैसे तो मंगाया है लेकिन शादी में जाने के टाइम तक वो ढाई महीने का ही होगा आप देखो आएगा या नहीं आएगा लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दो कपड़े जो अंदर पहने जाएंगे ना मोटे वाले जैसे इनर होगा फिर हाफ स्वेटर फिर एक जर्सी और उसके ऊपर ये मैं पहनाऊंगी तो ये उसे आ जाएगा कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर जरूर बताना ये देखो मतलब मेरे को ना वो वाली फीलिंग्स शुरू वाली जो थी निश्चय के टाइम वाली वो फिर से आनी शुरू हो गई बार 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 अब कैमरे में देख रही हूँ तो ऐसा मन कर रहा है कि इसे देखती ही चली जाऊं ये देखो सबसे बढ़िया बात मुझे इसकी ये लगी ये जो बो होती है ना ये निश्चय की मैंने आज तक जितनी भी ड्रेस खरीदी ना उनमें वो वाली होती है गले में ऐसे पहनने वाली उससे बच्चे कई बार ना अपना गला ऐसे दबा लेते हैं निश्चय ने भी एक बार ये काम किया था लेकिन इसमें ये जो है ना ये ये इस वाली साइड में बटन के साथ और सीली हुई है मतलब इसको बार बार हटाने लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है अब मैं आपको इसकी पैंट दिखा देती हूं इसके साथ जो पैंट आई है ना वो भी मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इतने छोटे बच्चे को जींस में कंफर्टेबल नहीं फील होता है तो इसके साथ यही हॉजरी वाली पैंट दी गई है अगर हॉजरी की बात करूं तो क्वालिटी जो है काफी अच्छी वाली है हाँ ये पैंट उसको जरूर जरूर बड़ी रहेगी ये देखो पैंट उसको बड़ी रहेगी लेकिन हाँ ऊपर वाला जो ब्लेजर सूट है वो उसको फिट आएगा अब मैं आपको इसका एम बता देती हूँ एम आर पी है इस पर वन जीरो फोर नाइन एक हजार उनचास ये लेकिन मैंने कितने में ली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ ये मुझे पड़ी है सिक्स सेवेंटी फाइव की छह सौ पिचहत्तर रुपए की ये मैंने अमेजोन से ली है ठीक है और मुझे पता है जिसके पास छोटे बेबी होंगे वो जरूर पूछेंगे कि प्रियंका ये आपने कहाँ से ली हम कैसे ऑर्डर करें तो इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप अमेजोन से चेक कर लेना मुझे यही कलर पसंद आया क्योंकि इस एक था इसमें ब्लू शेड और शर्ट अंदर का सबका ही ब्लू था तो ब्लू पे ब्लू शर्ट उतना जच नहीं रहा था जितना ये अच्छी लग रही थी अब मैं आपको निश्चय की ड्रेस दिखाती हूँ निश्चय की जो मेरे पास पार्टी वेयर ड्रेस है वो सारी की सारी ना छोटी हो गई बोले तो मतलब उनकी पेंट लांडी हो गई <laughs> तो इसलिए अब मुझे दोबारा लेनी पड़ी ये देखो ये निश्चय का ड्रेस है इस तरीके का निश्चय का भी जो अंदर का मैं आपको दिखाऊंगी अभी ऊपर जो कुर्ता है ना कुर्ता स्टाइल इसका शर्ट है वो अटैच ही है अलग अलग पहनने की जरूरत नहीं कि बच्चा जैकेट उतार के अलग घूम रहा है जैकेट कहीं छोड़ गया है निश्चय जैसे शरारती बच्चे तो अक्सर ये काम करते हैं इसका जो नेक पैटर्न है ना वो देखो आप काफी अच्छा सुंदर दिया गया है चाइनीज कॉलर में आपको ये सूट मिल जाएगा ये ब्लैक और व्हाइट कलर में ये इस तरीके का है और वो जो नीचे से वो वाले कुर्ते होते हैं ना टेढ़े मेढ़े वाले वो वाला कुर्ता है ये और फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है दोनों की क्वालिटी अच्छी है मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर से बता रही हूँ कि जब भी मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ सामने आ गई और मैंने ऑर्डर कर दिया नहीं भाई नहीं क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा फालतू पैसे नहीं होते तो मैं ऑर्डर करती हूँ ढेरों रिव्यू पढ़ के मैं पहले बहुत सारे रिव्यू पढ़ती हूँ बहुत सारे और उसके बाद ही जो है ना मैं कोई चीज ऑर्डर करती हूँ और उसके बाद भी अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मैं चेंज करा लेती हूँ क्योंकि अमेजोन पे ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है कि आप दस दिन में ना एक्सचेंज रिटर्न अपना कर सकते हो और अगर इस वाली ड्रेस की बात करूं ना छोटे वाले की तो इसकी थर्टी डेज की रिटर्न पॉलिसी है तो इसीलिए मैंने ये मंगा लिया था कि अगर नहीं भी आएगा तो मैं आराम से आने जाने के बाद भी इसको चेंज करा सकती हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं शादी में, में बिजी हो गई और मेरे दस दिन पूरे हो गए नहीं थर्टी डेज की इसकी रिटर्न पॉलिसी मुझे मिली है और ये बटन क्वालिटी वगैरह ये सब आप देख सकते हो सारी चीजें अच्छी हैं डिलीवरी टाइम पे हो जाती है जिस डेट की डिलीवरी आपको मिलती है ना कि ये वाली आपकी डिलीवरी डेट है उसी टाइम आपकी डिलीवरी होती होती है ये उल्टा कर दिया और मैं आपको बताऊं ना तो निश्चय ने ये कम से कम अभी तक छः सात बार ट्राई कर करके देख लिया है हर बार पहनता है और ये कह देता है मा ट्राई करके देख रहा हूँ और ये आ जाती है देखो इसकी ट्राउजर ये ये पैंट है इसकी उतनी ज्यादा शाइनिंग इसमें ये जो वीडियो में शायद मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा शिमरी लग रही है ये बट उतनी शाइनिंग आ, मतलब उतना चमकू टाइप की नहीं है ये जितना वीडियो में लग रही है ये देखो हाँ ये इसका नॉर्मल है ये जो यहाँ पे अभी दिख रहा है ना आपको ये इसका नॉर्मल शेड है ठीक है हेलो एवरीवन तो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं शायद कहाँ पहुँच गई हूँ कुछ लोग जो है समझ गए होंगे जिन्हें नहीं पता चला है वो भी बताना अगर आपको अंदाज़ा लग गया है तो कमेंट करके और आप सबको बाकी लोगों के कमेंट देख के पता चल ही जाएगा और ये निश्चय देखो निश्चय एक्साइटेड क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि निश्चय का ही सामान अब मुझे आपको दिखाना है एक चीज़ की डिलीवरी डेट ना थोड़ी सी लेट दिखा रहे थे तो मैंने वहां की बजाय ना उसको यहीं का एड्रेस दे दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे आना है तो वो मैं आपको बता बाद में बताऊंगी कि कहाँ यू यू नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जो है सारी चीजें देखने को मिल जाएगी और बहुत ही बड़ा सरप्राइज ब्लॉग रहने वाला है वो आप जरूर देखना उसको भी तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखो मैंने ये निश्चय के लोफर शूज मंगाए थे क्योंकि जो इस तरीके की ड्रेस होती है पार्टी पार्टीवियर उनके साथ ना स्पोर्ट्स शूज वगैरह तो नहीं चलते और बच्चों को भी आजकल सारी नॉलेज होती है बच्चों को पता है कि पार्टी पार्टीवियर कपड़े हैं तो पार्टी पार्टीवियर शूज होने चाहिए तो ये इस तरीके के लोफर शूज मैंने मंगाए हैं बहुत ही लाइट वेट है इनका ये देखो इनका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी और अगर आपके बच्चे के लिए आप मंगाना चाहते हैं तो निश्चय भी बोल रहा है मम्मा कि मुझे ये हल्का सा टाइट लग रहा है थोड़ी ऊनी वाली टाइप की उसने सॉक्स पहनी हुई है एकदम गर्म मोटी सी मैं अपने हाथ से अभी उसको डाल के देखूंगी क्योंकि शूज़ देखो ऐसा है कि हम बड़ा भी नहीं ले सकते फिट ही होना चाहिए शूज़ तो है ना चाहे बेशक बच्चे को दो चार महीने ही आए लेकिन शूज तो ढीले भी नहीं पहन सकता बच्चा ज्यादा तो अभी अपने हाथ से डाल के देखूंगी अगर मुझे साइज का इशू हुआ तो कोई बात नहीं अमेजोन पे आराम से एक्सचेंज भी हो जाता है रिटर्न भी हो जाता है ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं और ये देखो यहाँ पे इनकी बातचीत चल रही है हूँ हूँ जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना उसे लग रहा है कि मेरे से ही बातें हो रही हैं तो कौन कौन समझ गया है मैं कहाँ पे आई हुई हूँ और आपको और आपको शॉपिंग जो है कैसी लगी कौन सी चीज सबसे प्यारी लगी छुटकू की ड्रेस बड़कू की ड्रेस छुटकू बड़कू बना दिया इनको किसकी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी बड़कू भी अच्छा होता है बड़कू मतलब बड़ा भैया छुटकू मतलब छोटा भैया <laughs> तो कौन कौनसी की ड्रेस आपको पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आई देखो मुझे तो सारी पसंद है क्योंकि सारी शॉपिंग ही मेरी पसंद की है और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रियंका आप मार्केट बिल्कुल नहीं जाते क्या तो देखो प्रेगनेंसी में वैसे नहीं जा पाई थी क्योंकि कोविड के बाद से तो मैं आपको बताऊँ ना मतलब एक एक चीज तो क्या गिनवाऊँ उसके बाद से सारी मेरी मोस्टली शॉपिंग जो है ऑनलाइन ही हो रही है क्योंकि कोविड में वैसे मार्केट नहीं जाते थे हाँ फिर उसके बाद प्रेगनेंसी मेरी ना नौ महीने तक मैं मार्केट वार्केट जाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था भीड़ भाड़ में फिर उसके बाद अब डिलीवरी होने के बाद बेबी छोटा होता है तो वैसे नहीं जाया जाता तो ठीक है चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और इनमें से कोई भी चीज अगर आप अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं ना तो बेझिझक ले सकते हैं सारी चीजों का रिव्यू जो है एकदम जेनवन है ठीक है बाय बाय